पेयर है जी टॉपिक। बॉल सबने देखी है, क्रिकेट ऑलमोस्ट सब जने खेले हैं, ठीक है जी। स्पेयर में सिर्फ एक ही चीज़ होती है रेडियस, इसमें एक ही एरिया होता है सरफेस एरिया, टोटल कहो या कर्व कहो एक ही एरिया होता है इसमें, वो होता है 4π r2। दूसरा होता है हेमी स्पेयर, यानी कि इसको मैं आधा काट दूंगा तो ये हेमी स्पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होती है, इसकी जो हाइट है वो रेडियस ही हो जाती है। तो इसमें होता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, पाई आर, 2π r2 से साइड वाला एरिया आता है। और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर जो ये बना हुआ है इसका भी आएगा, ऊपर सर्कुलर होता है, अगर आप ऊपर से देखें तो सर्कल नज़र आएगा आपको, ऊपर से क्या नज़र आएगा, ऊपर से सर्कुलर, तो उसका एरिया और जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 3π r2। कोई डाउट किसी को? होलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर या सेमिस्फीयर, मतलब एक स्फीयर है, ठीक है। होलो मतलब इस तरीके से बना हुआ है, ये जो हो गया थिकर पार्ट हो गया, थिकनेस, ये सॉलिड पार्ट है, दिस इज बट सॉलिड। ये हो गया एम्प्टी, खाली जगह, ये सॉलिड है सारा, ठीक है जी, ठीक है। दो रेडियस होती है, एक स्मॉल आर, स्मॉल आर इनर रेडियस, फिर होती है कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर आउटर रेडियस, और ये जो होती है दैट इज व्हाट थिकनेस, टी से रिप्रेजेंट करा लिया, टी मतलब थिकनेस। तो बड़ा आर जो होता है स्मॉल आर प्लस टी के ऊपर, थिकनेस और स्मॉल रेडियस को ऐड करूंगा तो पूरी रेडियस आ जाएगी, ये थिकनेस है, ये स्मॉल रेडियस है, ये थिकनेस है, दोनों को ऐड करूंगा पूरी रेडियस आ जाएगी, क्लियर है। इनर कर्व सरफेस एरिया यानी कि अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया 2π r2, आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी कि बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया 2π R2, और टोटल सरफेस एरिया में आएगा इनर वाला भी आउटर वाला भी, इनर वाला एरिया आउटर वाला एरिया, और ऊपर जो ये सॉलिड पार्ट है ऊपर आपको ऐसे नजर आएगा, देखना ये होगा एरिया, वो होता है जिसको आप पेंट कर सकते हो, टच कर सकते हो, ये एरिया में आएगा। ये एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, बड़े वाले सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। कोई डाउट किसी को? डाउट नोट करिए इसे, स्फीयर ठीक है, रेडियस गिवन है, हो जाएगा या कराऊं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, डायमीटर दे रखा है, सरफेस एरिया निकालना है, तो डायमीटर दे रखा है आपको, जैसे फर्स्ट पार्ट में डायमीटर 14 है, रेडियस निकाल लोगे 2 से डिवाइड करके 7 cm, बाकी आप कर ही लोगे, ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, रेडियस दे रखी 10 cm, टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का 3π r2 हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 cm टू 14 cm,
पहले बैलून की रेडियस है 7, बाद में 14 है जब उसमें एयर फिल करते हैं, ठीक है। हमें निकालना है सरफेस एरिया, दोनों पार्ट में जो सरफेस एरिया दोनों की रेशियो। तो पहले रेडियस ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, दूसरी ले लेता हूँ 14 सेंटीमीटर, हाँ, दोनों का सरफेस एरिया पहले वाले का होगा 4πr², दूसरे का एस डैश ले लेते हैं 4πR², 4π कट गया, r की जगह रहेगा 7, 14 का स्क्वायर 49, नीचे 196, सोल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा, तो रेशियो आ जाएगी कितनी, 1:4। क्वेश्चन नंबर 4th में कोई डाउट, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, हेमिस्फेरिकल बॉल है बेटा जिसका इनर डायमीटर है यानी कि इनर रेडियस होगी 10.5/2। कोस्ट निकालनी है, इसको अंदर से पेंट करना है, प्लेटिंग करनी है, तो आप क्या निकालेंगे, कर्स सरफेस एरिया निकाल लेंगे 2πr² करके, ठीक है, आर की वैल्यू ही रख लोगे, हो जाएगा। फिर कोस्ट निकालेंगे 16/100 से जो भी एरिया आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको नोट कर लिया बेटा, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। एक रह गया सिक्स्थ, मुझे लगा मैंने कर, अच्छा सिक्स तो कर लोगे यार। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस, सिक्स क्वेश्चन में सरफेस एरिया दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको सरफेस एरिया दे रखा है। तो सिक्स क्वेश्चन में कहा है रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस, सरफेस एरिया आपको दे रखा है 154, रेडियस निकालनी है, सरफेस एरिया होता है 4πr² 154 के 4×22/7, आगे सोल्व कर ही लोगे या करके बताऊं, कर ही देता हूँ, सोल्व कर लेना इसको, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देता हूँ। नीचे आएगा हमारा 4×22, काट पीट के इसको निकाल लेना, रेडियस आ जाएगी, सोल्व करना है आपको, ठीक है जी। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ, मून का डायमीटर 1/4 है अर्थ के डायमीटर की, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 7th, सबसे पहले लेट कर लो दोनों की रेडियस, रेडियस ऑफ मून वो हमने ले ली स्मॉल r, और रेडियस ऑफ अर्थ वो हमने ले ली कैपिटल आर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में कहा है कि मून का जो डायमीटर है 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ के डायमीटर का 1/4, रेशियो निकालनी है दोनों के सरफेस एरिया की। सेम क्वेश्चन आपको लास्ट एक्सरसाइज में मिलेगा, वहां पे वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, ठीक है जी। डायमीटर ऑफ मून 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में आपको, कोई डाउट किसी को यहां तक? डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल यानी कि 2r, 1/4 2, अर्थ की रेडियस है कैपिटल r, इसको काटा क्रॉस मल्टीप्लाई करा 4r आया स्मॉल r, यहां तो कोई डाउट? अब दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, मून का एरिया होता है 4πr², इसका हो जाएगा 4πR², फ्रॉम 1 स्मॉल r की वैल्यू 4r है वो यहाँ रख देंगे, r² / 4r² कितना आएगा बेटा, r² / 16r² कट गया, कितना है जी 1/16, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, तो रेशियो आई कितनी 1:16।
कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील जिसकी थिकनेस है, ये थिकनेस है तो होलो बन रही होगी, जो भी होलो सिलेंडर बताया था उसकी तरीके से, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है स्टील की बन रही है और इसकी थिकनेस है कितनी, ये थिकनेस होगी टी हम लेते थिकनेस कितनी है जी 0.25 सेंटीमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? आगे इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 है इनर रेडियस, यानी कि इनर रेडियस हम स्मॉल आर लेते थे, स्मॉल आर इज व्हाट, इनर रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। कैपिटल आर क्या लेते थे हम, आउटर रेडियस, और कैपिटल आर क्या होता था, स्मॉल आर प्लस टी के इक्वल, यानी कि 5 प्लस 0.25 सेंटीमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा था मैंने 2π R² 2 × 22/7 × 5.25² एंड सिंप्लीफाई दिस कर लेंगे। लास्ट है, इम्पोर्टेंट है ये भी, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक सिलेंडर है उसके अंदर क्या बनाया हुआ है बेटा, ये क्या बना हुआ है इसके अंदर, एक स्फीयर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर बना हुआ है स्फीयर, क्या निकालना है आपको, स्फीयर की रेडियस दे रखी है, आपको निकालना क्या है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और दूसरी चीज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो जी सिलेंडर की ये हाइट है, ये रेडियस है आर दे रखी है स्फीयर की रेडियस, वही रेडियस हमारी सिलेंडर की होगी, आर हो जाएगी रेडियस ऑफ स्फीयर एंड ऑल्सो आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट की बात करें तो ये आर है, ये भी आर है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर 2R के इक्वल। कोई डाउट? कोई डाउट? पहले पार्ट में निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सीधा होता है बेटा 4π R² दूसरे पार्ट में निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है बेटा 2πRh, 2πRh की जगह 2R रखा तो ये कितना हो गया बेटा, ये भी 4πR² आ गया। और तीसरे पार्ट में दोनों का रेशियो निकालना है फर्स्ट और सेकंड का, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना आया था, स्फीयर का सरफेस एरिया आया था 4πR², और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना आया है 4πR², कट के बेटा कितना आया 1, तो रेशियो आई दी 1:1। कोई डाउट? देखो जी ये तो होगी एक्सरसाइज खत्म, मैं आगे का टॉपिक भी लगे हाथ बता रहा हूँ आपको। अगेन आता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड याद ही होगा आपको, मैंने पहले एक्सरसाइज में कराया था, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है उसकी, ये लेंथ ये ब्रेथ और ये हाइट, लेंथ बी ब्रेथ एंड एच हाइट। आपको याद होगा कर्व सरफेस एरिया उसका था 2HL+B, टोटल सरफेस एरिया था 2LB+BH+LH, अगर क्लोज है पूरा, अगर एक तरफ से ओपन है, टोटल सरफेस एरिया इफ ओपन फ्रॉम टॉप और बॉटम, टॉप या बॉटम से ओपन है तो होता था 2HL+B कर्व सरफेस एरिया प्लस
ऊपर से ओपन है या नीचे से, दोनों में से एक तरफ का एरिया आ जाएगा एल बी। अब आएगा जी वॉल्यूम, जो होता है एल इंटू बी इंटू एच। कोई डाउट? क्यूब हो गया, उसकी साइड को हमने ए ले लिया, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है क्यूब की, ठीक है। डाइस आपने देखी है क्यूब की शेप में होती है, मैच बॉक्स होता है क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है। कोई डाउट? कर सरफेस एरिया 4 स्क्वेयर था, टोटल सरफेस एरिया क्या था 6 स्क्वेयर। टोटल सरफेस एरिया इफ ओपन फ्रॉम टॉप और बॉटम, तो वो था हमारा 5 ए स्क्वेयर। अब जो ऐड हुआ है वॉल्यूम, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब या ए का क्यूब। क्लियर है जी? क्लियर है? पहला क्वेश्चन है, मैच बॉक्स की ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, वॉल्यूम निकालना है 12 सच बॉक्सेस। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालोगे एक का, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो वॉल्यूम आ जाएगा 12 बॉक्सेस का। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ऐसे ही है, क्यूबॉइड टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, तो सीधा इसका वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके, लीटर में निकालना है, तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। जो भी वॉल्यूम आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे लीटर में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसल का वॉल्यूम की ये दे रखी है आपको लेंथ, ये ब्रेथ, हाइट निकालनी है, वॉल्यूम गिवन है। थर्ड क्वेश्चन, वॉल्यूम है 380 लीटर मीटर क्यूब, सॉरी लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है हमारी 8 मीटर, हाइट निकालनी है, तो वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, 380 के रखा, लेंथ है 10, ब्रेथ है 8 इंटू एच, तो यहाँ से एच आ जाएगा 380 अपॉन 80, सोल्व कर लेना, ये आ जाएगी हाइट। कोई डाउट? कोई डाउट? ऐसी ये वाला क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, हमें खुदाई करनी है क्यूबॉइडल शेप में, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, कितने रुपए के हिसाब से, 30 के हिसाब से, तो जो भी वॉल्यूम आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके कॉस्ट निकालेंगे, 30 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, रिप्लाई मी यार। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 50,000 लीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो वॉल्यूम आ गया 50 मीटर क्यूब। ब्रेथ निकालने टैंक की, हाइट दे रखी है, हाइट है सॉरी 10 मीटर, लेंथ है 2.5 मीटर, ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, तो वही जी इसी क्वेश्चन की तरह वॉल्यूम है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि 50 के इक्वल है, लेंथ आपको दे रखी है, ब्रेथ आपको निकालनी है, हाइट 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 25B 50 के, तो B आ गया 50 अपॉन 25, सोल्व करके कितना है बेटा 2 मीटर, तो ब्रेथ आ गई 2 मीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स कह रहा, विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक विलेज की पॉपुलेशन है 4000, मतलब इतने पर्सन रहते हैं, इतने लोग रहते हैं वहाँ पे,
रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, हर एक बंदे को एक दिन में 150 लीटर चाहिए, मतलब वन पर्सन रिक्वायर्ड 150 लीटर वाटर, तो 4000 पर्सन रिक्वायर्ड हाउ मच वाटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 4000, वन पर्सन रिक्वायर्ड 150 लीटर ऑफ वाटर, तो 4000 पर्सन रिक्वायर्ड कितना? 4000 इंटू 150, 60,000, 6 लाख लीटर, डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए, तो 600 मीटर क्यूब, ठीक है, 4000 पर्सन इन वन डे रिक्वायर्ड कितना? 600 मीटर क्यूब ऑफ वाटर एक दिन में चार हजार पर्सन 600 लीटर पानी लेते हैं, 600 मीटर क्यूब पानी लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद करें, इट हैज अ टैंक 20x15x60 मीटर, जो गांव में विलेज में टैंक लगा है उसकी लेंथ ब्रेथ ये है। अब मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा, वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ है 20 इनटू 15 इनटू 6, 1800 मीटर क्यूब, मतलब टैंक में इतना पानी है और एक दिन में इतना पानी चाहिए, तो कह रहे हैं हाउ मेनी डेज द वाटर लास्ट इन द टैंक, टैंक में कितने दिन तक पानी रहेगा, तो नंबर ऑफ डेज आपको निकालने हैं। सीधा सा तरीका है, टैंक का वॉल्यूम डिवाइड बाय एक दिन में कितना चाहिए, सोल्व करेंगे तो 3 डेज आ जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। ये कंप्लीट करनी है 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक करनी है, बाकी 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।